लाइफ में आपने कई तरह के फोन देखे होंगे, कुछ छोटे, कुछ मोटे, कुछ इस तरह के एंड कुछ लंबे। बट आज एक ऐसा फोन आया है जो इतना पतला है, लाइट वेट है। अच्छा, ये एक ऐसा फोन है जो प्रीमियम है, स्लिम है, लाइट वेट है एंड ऑफ कोर्स पावरफुल भी है। लेकिन एक सेकेंड, ऐसा ब्रांड का कहना है लेकिन सच में तो इसके लिए हम है ना। सो लेट्स टेस्ट दिस न्यू फोन और इसका नाम है Xiaomi। ओ अच्छा, Xiaomi 11। ओ अच्छा, Xiaomi 11 Lite। ओ अच्छा, Xiaomi 11 Lite NE। Xiaomi 11 Lite NE 5G। तेरी तो मजाक से हटके, यह है Xiaomi 11 Lite NE 5G। कहीं नाम बड़े और दर्शन छोटे तो नहीं है? Let's find out। बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स, इसके अंदर ये कुछ यूजर गाइड, इसके अलावा टाइप सी टू 3.5 mm कन्वर्टर, इसके अलावा ये फोन टाइप सी केबल और फास्ट चार्जर, एक ट्रांसपेरेंट केस। सो फिलहाल मेरे पास दो वेरिएंट है, एक है ब्लैक और दूसरा है स्नोफ्लेक व्हाइट। वैसे दोनों ही काफी कूल लग रहे हैं। डिजाइन से शुरू करते हैं, इसका डिजाइन देखो। अरे देवा, Xiaomi का कहना है कि ये फोन उन यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है जिनकी प्रायोरिटी है डिजाइन, स्टाइलिश और एक स्टनिंग गॉर्जियस दिखने वाला फोन चाहिए, वो भी फोन में बिना कोई स्पेक्स कॉम्प्रोमाइज करे। एंड सच में मजाक नहीं कर रहा, दिस फोन इज सो स्लिम। 6.81 mm इसकी थिकनेस है। नो, 158 ग्राम इसका ओवरऑल वेट है। हाउ इट इज पॉसिबल? इट इज पॉसिबल। सच में दोस्तों, जो फोन है सुपर स्लिम है, सुपर लाइट वेट है, इवन जो बेजल्स है वो भी बहुत कम है। 1.88 mm की आपको यहाँ पर बेजल्स मिलते हैं। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, शायद मेरे ख्याल से अभी तक का ये सबसे स्लिम फोन है जो मैंने यूज किया है। एक चीज मैं ऐड करना भूल गया, वो है बिल्ड क्वालिटी के बारे में। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो है तो काफी अच्छी, बट एक सवाल है, ये फोन काफी ज्यादा पतला है और पॉकेट पे रखने पे इस पे ज्यादा प्रेशर पड़ गया तो कहीं ये टाटा बाय बाय ना हो जाए, होना तो नहीं चाहिए। इसका जो मैट फिनिश है विद एंटी ग्लेयर फ्रॉस्टेड ग्लास, वो फोन को एक प्रीमियम फिनिश दे रहा है। एक और चीज, इसमें आपको डस्ट रेजिस्टेंस और स्प्लैश प्रूफ मिलता है जो परफॉर्म करता है एकदम IP53 रेटिंग्स की तरह। अच्छा, इसके फ्रंट साइड में ना आपको 10 बिट का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है विद डॉल्बी विजन, HDR 10+, 90Hz टू 40Hz टच सैम्पलिंग रेट विद कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5। और जिन लोगों को नहीं पता 10 बिट डिस्प्ले के बारे में, मैं उन्हें शॉर्ट में समझाता हूँ। जो नॉर्मल स्मार्टफोन होते हैं उनमें आपको 8 बिट देखने को मिलता है जिनमें आपको 16.7 मिलियन कलर्स देखने को मिलते हैं, जबकि 10 बिट में आपको 1 बिलियन प्लस कलर्स देखने को मिलते हैं। और इसका फायदा क्या है, इससे आपको ग्रेट एक्यूरेट कलर्स मिलेंगे जब भी आप कोई मूवीज देखोगे, वीडियोस देखोगे। ये जो फोन है नेटफ्लिक्स पे यहाँ पर डॉल्बी विजन को सपोर्ट करता है, इसमें आपको वाइड वन एल वन सर्टिफिकेशन का सपोर्ट भी मिल जाता है। आप समझे 10 बिट और 8 बिट डिस्प्ले में डिफरेंस? अच्छा, तो वीडियो को लाइक करो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, समझाओ यार इसे, समझाओ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना करने का क्या नुकसान है, ऐसे वीडियोस आप मिस कर जाओगे। एंड डिस्प्ले की क्वालिटी इज रियली गुड, कलर्स अच्छे दिखते हैं, पंची डीप ब्लैक आपको मिलते हैं एंड जो डिस्प्ले है दोस्तों वो भी स्मूथ है, 90Hz हाई रिफ्रेश रेट मिलता है। बाकी इसमें आपको टाइप सी पोर्ट मिलता है और हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है। इसमें 3.5 mm जैक नहीं है, बट बॉक्स में आपको टाइप सी टू आपको 3.5 mm कनेक्टर मिलता है और स्टीरियो स्पीकर है। इसमें आपको 64 megapixel का ट्रिपल प्रो कैमरा मिलता है, नहीं प्रो नहीं, हमारे स्टाइल में प्रो कैमरा मिलता है, जिसमें जो 64 megapixel का कैमरा है वो मेन है, जो 1.79 अपर्चर के साथ आता है, 8 megapixel का अल्ट्रा वाइड है, 5 megapixel का टेली मैक्रो कैमरा है। सेंसर कौन सा है इसमें वो पता नहीं, बट शायद सैमसंग का सेंसर होगा। बट एक चीज जानकर मुझे बहुत खुशी हुई, Xiaomi ने जो 2 megapixel का कैमरा है ना उसे निकाल फेंका, बाहर निकाला। कोई तो यार जिसने इनिशिएट किया 2 megapixel कैमरे को मार भगाया। सही बात है। तो इसके लिए मेरे तरफ से Xiaomi को वेल डन।
गालियां होनी चाहिए यार। और फ्रंट में आपको 20 मेगापिक्सल का सेल्फी मिलता है। अगर हम इसे कैमरे को ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ फीचर्स मिल जाते हैं। वीडियो में यहाँ पर आपको प्रो मोड मिल जाता है जहाँ पर आप हाई डेफिनेशन पिक्चर्स क्लिक कर सकते हो। बाकी इसके अलावा यहाँ पर अगर आप मोर पे जाते हो तो मोर पे जाके यहाँ पर आपको शॉर्ट वीडियो फीचर मिल जाता है, व्लॉग वीडियो फीचर मोड मिल जाता है जहाँ पर आप जाके व्लॉग बना सकते हो, मूवी इफेक्ट्स मिल जाते हैं, डुअल वीडियो मोड। तो लोग व्लॉग बनाते हैं उनके लिए ये जो व्लॉग फीचर है काफी यूजफुल है। एक सिंगल क्लिक में आप जो है व्लॉग बना सकते हो, आपको एडिटिंग करने के लिए हाई एंड सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। इस फोन के कैमरे से मैंने कुछ फोटोज लिए हैं इंडोर आउटडोर लाइटिंग कंडीशन में, डे लाइट कंडीशन में, लो लाइट कंडीशन में, एंड जो फोटोज निकल के आए हैं सच बताऊं दे आर रियली गुड। डिटेल्स काफी अच्छे निकल के आते हैं। इवन जो डायनेमिक रेंज है वो भी बढ़िया देखने को मिल जाते हैं। स्किन टोन यहाँ पे मैं कहूँगा थोड़े से बेटर हो सकते थे, जो आई होप शाओमी फ्यूचर में सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए फिक्स कर दे यहाँ पर। इसके अलावा दोस्तों जो इंडोर फोटोज निकल के आते हैं दे आर गुड, इनफैक्ट रियली गुड। डिटेल्स बहुत अच्छे मिलते हैं इतना मैं कहूंगा। पोर्ट्रेट शॉट्स बढ़िया निकल के आते हैं, मैक्रो शॉट्स आप देख सकते हो वो मुझे काफी अच्छे लगे। मैक्रो शॉट्स में जो डिटेलिंग है, जो टेली मैक्रो कैमरा है वो काफी अच्छे शार्प फोटोज क्लिक करता है विद बेटर डिटेलिंग। और बाकी जो 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है इसने मुझे काफी इंप्रेस किया, स्पेशली इंडोर लाइटिंग कंडीशन में जो सेल्फीज निकल के आते हैं उनमें जो स्किन टोन है दे आर गुड। ओवरऑल दोस्तों फर्स्ट इंप्रेशन में मुझे इसका जो सेल्फी कैमरा है, जो रियर कैमरा है वो पसंद आया। आपको ये डिसअपॉइंट नहीं करेगा, आपको भी इसका कैमरा पसंद आएगा। बाकी इससे अगर आप वीडियो में जाते हो और यहाँ पर आपको स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन मिल जाता है, और इसके अलावा यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो आप 720p 1080p और 1080p 60fps और 4K 30fps पे आप वीडियोस को शूट कर सकते हो। और दोस्तों फोन बाय करते वक्त मैं हमेशा फोन में परफॉर्मेंस देखता हूँ, और परफॉर्मेंस अच्छी ना हो ना फोन में तो पूरा गेम बिगाड़ देता है, पूरा गेम बिगाड़ देगा। सो इसमें आपको जो प्रोसेसर रखा है ये क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778 5G प्रोसेसर है, 6 NM वाला प्रोसेसर है, 5G को सपोर्ट करता है, 12 5G बैंड्स मिलते हैं, और इसमें आपको लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी भी मिलती है फॉर गेमिंग। अब मैं आपको बताना चाहूंगा इस प्रोसेसर को मैंने दूसरे स्मार्टफोन में भी टेस्ट किया है, एंड ये जो प्रोसेसर है काफी बढ़िया प्रोसेसर है फॉर मल्टीटास्किंग, डे टू डे लाइफ यूजेस, इवन फॉर गेमिंग। गेमिंग से याद आया पीरो गेमिंग गेम प्ले दिखाता हूं मैं आपको। पर स्मूथ बैलेंस HD और यस HDR तक आप गेम कर सकते हो, HDR अल्ट्रा का मिल जाता है, और स्मूथ में आप एक्सट्रीम पे गेमिंग कर सकते हो। स्मूथ और एक्सट्रीम मेरा फेवरेट सेटिंग है जहां पर आपको स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस मिलता है। चल भाग यहां से, भाग भाग, गजब बेइज्जती है, हमसे लड़ोगे, हमसे लड़ोगे दोस्तों। काफी स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस। मेरे भाई, मेरे चाचा, मतलब देखा जाए तो स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस है। अगर आप इसमें करना चाहते हो तो स्मूथ गेमिंग कर सकते हो, अभी तक मुझे काफी अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस मिल रहा है। ये देखो, शर्म नहीं आ रही, ये देखो मनोज सारू द पीरो गेमर, इससे टक्कर लोगे। पीरो गेम पे हमारा देखा नहीं है। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था ये जो प्रोसेसर है कैपेबल है आपको बहुत अच्छी गेमिंग देने के लिए, तो यहाँ पर आप स्मूथ और एक्सट्रीम पे गेम को एंजॉय कर सकते हैं। मैंने ना इसमें एंड्रॉइड बेंचमार्क स्कोर को रन करके देखा, और जो स्कोर निकल के आया है वो काफी बढ़िया स्कोर निकल के आया है, आप देख सकते हो। और तो ऑफ कोर्स इसमें हमने थ्रॉटलिंग टेस्ट किया 15 मिनट्स का, और आप देख सकते हो जो ग्राफ निकल के आया है फोन में अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज किया गया है और आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस देगा। 4250 mAh की बैटरी मिलती है विद 33W फास्ट चार्जर। आई थिंक बैटरी थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए, बट फोन को स्लिम करने के लिए यहाँ पे शायद बैटरी यहाँ पे कम यूज की गई है। अच्छी बात यह है कि इसमें 6 NM वाला प्रोसेसर मिलता है तो ये पावर एफिशिएंट है। और हाँ, एक और चीज, 33W का जो फास्ट चार्जर है ये आपको बॉक्स में ही मिलता है, और ये करीब फोन को 0 to 50% करीब 20 मिनट्स में चार्ज कर देता है, और 0 to 100% करीब 58 मिनट्स में फुल चार्ज कर देता है। बाकी सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के लिए इस बार इन्होंने गूगल के साथ पार्टनरशिप किया है फॉर सेफ एंड सीमलेस कम्युनिकेशन एक्सपीरियंस। एंड ऑफ कोर्स फोन में आपको MIUI 12.5 मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स, और शाओमी ने कहा है कि इसमें आपको 3 years का एंड्रॉइड अपडेट्स मिलेगा, 4 years का आपको सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा। यस, सच में फोन को दोस्तों टेस्ट करके ना मजा आया। इसकी जो प्राइस है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दूंगा, फिलहाल मुझे पता नहीं है, लॉन्च से पहले वीडियो शूट कर रहा हूं। अगर ये फोन दोस्तों 25, 26, 27 के पास आता है बहुत अच्छा फोन होगा मेरी नजर में। ओवरऑल दोस्तों इट्स अ रियली गुड स्मार्टफोन फ्रॉम Xiaomi, बस एक ही दिक्कत है और वो है नाम, Xiaomi 11 Lite NE 5G। लेकिन दोस्तों इस फोन का नाम भी बड़ा है मैं कहूंगा, और दर्शन भी बड़े हैं। वैसे कैसा लगा आपको ये फोन नीचे कमेंट में बताओ, बाकी वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, और मिलता हूं मैं आपको एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय एंड सी यू, टेक केयर।